नमस्कार, मैं बिमल शंकर सिंह, DVPG कॉलेज वाराणसी। आज जो मैं चर्चा करूँगा वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से संबंधित है और जिसकी स्थापना दिसंबर 1945 को की गई थी। और ये जो संस्था आई वो बेटन वुड कॉन्फ्रेंस के जो 1944 में हुई थी उसके के परिणाम स्वरूप दिखाई पड़ती है। IMF का जो प्राथमिक मिशन था वो था कि इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी लाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो प्रणाली है उसमें किसी तरह की स्थिरता लाई जाए। स्थिरता का अर्थ हो गया कि सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक बनाया जाए, इंटरनेशनल पेमेंट का एक सिस्टम बनाया जाए और जिससे कि कंट्रीज़ के बीच में भिन्न देशों के बीच में ट्रांजेक्शन भली भांति बेहतर ढंग से हो। तो जो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम ही को ही हम लोग सामान्यतः इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्डर और रिजीम भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना विशेष रूप से था एक्सचेंज रेट के और इंटरनेशनल पेमेंट के संदर्भ में सिस्टम बनाने से संबंधित रहा है। इसके विजन की जब बात करते हैं तब तो ये नॉन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए जिससे कि पूरे संसार के लोगों का भला हो सके, कल्याण हो सके। इसके साथ साथ एक और भी विजन था कि बी द सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली है वो उसमें इसके में जो स्थिरता लाना है और उसके लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस के रूप में भी कार्य करेगी। और तीसरी बात है फोकस ऑन इट्स कोर मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको पूरा करने की बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जब हम लोग इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना, विभिन्न देशों के बीच में जो इंटरनेशनल मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोऑपरेशन की है उसको बढ़ावा देने का पहला फंक्शन इसका है। दूसरा फंक्शन टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट्स हैं कि एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को बढ़ावा देगी और जो एक्सचेंज अरेंजमेंट है वो बेहतर ढंग से उसकी प्रणाली डेवलप करेगी और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। और तीसरी हम लोग कह रहे हैं कि मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स को जन्म देता है। IMF के द्वारा जो पेमेंट सिस्टम है वो मल्टीलेटरल है, विभिन्न देशों के बीच में होगा और एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस को भी करना इसका काम होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, अनेक प्रकार के प्रतिरोध रोक हैं, उसको विदेशी विनिमय बाजार में अनेक प्रकार के जो प्रतिबंध हैं उसको भी समाप्त करने का कार्य ये करेगी। और फाइनली हम लोग कहते हैं कि टू असिस्ट मेंबर कंट्रीज बाई टेम्पररली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू करेक्ट माल एडजस्टमेंट इन दियर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व रहा है कि विभिन्न जो देश हैं उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में कई बार दिक्कतें आती हैं, उनसे क्राइसिस आती है, माल एडजस्टमेंट होता है, उसको भी दूर करने का ये कार्य करेगी। तो इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली है उसमें अनेक कार्य करने का कार्य इसको फंक्शंस दिया गया है और अपने फंक्शंस को पूरा करने के लिए तीन तरीके अपनाती है। ये अपने फंक्शंस को इन ऑर्डर टू सर्व द पर्पस एंड फंक्शंस द IMF क्या करती है वो तीन तरीका अपनाती है। एक तो है मॉनिटरिंग करने का, दूसरा है लेंडिंग करने का और तीसरा प्रोविजंस है प्रोवाइड करती है, कुछ चीज़ें और भी प्रोवाइड करती है। तो मॉनिटरिंग किस चीज़ की करती है? तो पहली बात है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम जो और इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट क्राइसिस इन द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम दी IMF मॉनिटर्स द मेंबर कंट्रीज पॉलिसीज। तो इस तरह से आप देखते हैं
कि पहला कार्य तो मॉनिटरिंग का है कि वो विभिन्न देशों की जो जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में वो छानबीन करती है, देखने का कोशिश करती है कि उनका इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम के आधार पर उनका उनकी पॉलिसीज उसी तरह की है कि नहीं, और नेशनल रीजनल या ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट थ्रू ए फॉर्मल सिस्टम नोन एज सर्विलेंस के आधार पर किया जा रहा है कि नहीं। अर्थात क्या है कि जो जो विभिन्न देश हैं उनकी पॉलिसीज को इस तरह से देखने की ज़रूरत है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को बढ़ावा मिल पावे। दूसरा है टू लैंड मेंबर कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी यदि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की में किसी तरह की परेशानी है, तो उस दौरान उस प्रक्रिया में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको टेम्पररी जो है उनको विभिन्न तरह की लोन सुविधा प्रोवाइड करने की व्यवस्था करना है, लेकिन ये जो प्रोविज़न करेगी वो टेम्पररी फाइनेंसिंग नहीं होगा बल्कि उनको सपोर्ट करेगी, उसको सपोर्ट एडजस्टमेंट एंड रिफॉर्म पॉलिसीज एम्ड एट करेक्टिंग दी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स। इसका अर्थ निकलता है कि जो भी करेक्शन किया जाएगा वो उसमें दो तरह के करेक्शन उसमें है, पहला तो है एडजस्टमेंट किया जाएगा, विभिन्न तरह के सपोर्ट एडजस्टमेंट सिस्टम डेवलप करने की बात है, और दूसरा रिफॉर्म पॉलिसीज में भी रिफॉर्म करने और कराने की बात है। तो इस तरह से लैंडिंग की प्रक्रिया को भी लागू किया जाएगा, और आखिर में कहते हैं कि इट प्रोवाइड द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज विद टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग इन इट्स एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। तो ये एक तीसरा एंगल भी है जिसमें कि टेक्निकल असिस्टेंस देने की बात है, ट्रेनिंग देने की बात है, मेंबर कंट्रीज के जो लोग हैं उनको विभिन्न तरह की टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, विभिन्न तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी IMF के द्वारा करने की बात है। तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो या एक्सचेंज रेट के संदर्भ में नीतियाँ बनानी हो या टेक्निकल असिस्टेंस देना हो या ट्रेनिंग देना हो, ये सभी कार्य IMF के द्वारा किया जाता है। अब इसके ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रशासन कैसा है, किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है, कैसे वो कार्य करती है, इसको समझने जा रहे हैं। एक तो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि डे टू डे फंक्शनिंग को मैनेजमेंट को IMF की मैनेजमेंट को देखता है, और मैनेजिंग डायरेक्टर ही चेयरमैन होता है, और ये बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उसका चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की संख्या 24 बोर्ड में 24 हुआ करती है। तो भारत के भी का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन है, और भारत तीन अन्य कंट्रियों बांग्लादेश श्रीलंका भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब जहाँ तक रिसोर्सेज की बात आती है कि इसके पास पैसा कहाँ से आता है और ये पैसा कैसे व्यय करता है, कैसे दे पाता है, एक सिस्टम वहाँ पर भी बना हुआ है। तो रिसोर्सेज के संदर्भ में जब बात करते हैं तो एवरी मेंबर ऑफ द फंड इज रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू द फंड एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू इट्स कोटा। तो प्रत्येक जो मेंबर कंट्री है तो उसको एक कोटा दिया गया है और उसको सब्सक्राइब करने का, उसको खरीदने का, उसको की जिम्मेदारी उस मेंबर कंट्री को है, और ईच मेंबर इज असाइंड ए कोटा एक्सप्रेस इन स्पेशल ड्राइंग राइट। तो SDR जो अब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बराबर का वो सब्सक्रिप्शन करता है और उसे फंड का कोटा बनता है, तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट आती है। और कोटा जो है वो उसमें दो चीज़ें हैं कि आपके पास जो कोटा जितने के बराबर आपके पास SDRs है उतने ही वोटिंग पावर आपका वोटिंग पावर बनता है, और फंड के रिसोर्सेस आपका जितना है उसी तरह से वोटिंग पावर होता है, और एलोकेशन ऑफ SDRs भी उसी हिसाब से हुआ करता है। तो और इसके परिणाम स्वरूप
जो मेंबर कंट्रीज है करेंसीज जो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस होती है तो एसडीआर के माध्यम से उस क्राइसिस को दूर करने का प्रयास होता है और रिसोर्सेज उसको प्राप्त होते हैं। एक अन्य बात आती है कि जो मेंबर कंट्रीज में जो कोटा सब्सक्रिप्शन और दी मेंबर कंट्रीज आर प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर आईएमएफ है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो सोर्स ऑफ रिसोर्सेज है फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो प्राय कोटा के आधार पर ही होता है। लेकिन हाउएवर इफ नेसेसरी द आईएमएफ मे बोरो टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम इट्स कोटा। तो इसको सप्लीमेंट करने के लिए ये बारो भी कर सकती है और आईएमएफ रिव्यूज मेंबर्स कोटास वंस इन एवरी फाइव ईयर। ये तीसरी बात कह रहे हैं हम लोग कि जो कोटा कितना होगा वो हर पाँच साल में उसको रिव्यू करने का भी काम करती है। और ये जो रिव्यू हुआ वो 2010 में लेटेस्ट जो रिव्यू हुआ है कि आपका कोटा मेंबर कंट्रीज का कोटा कितना होगा वो 2010 में हुआ था और वो 2016 से उसको लागू किया गया। तो अब उस जो रिव्यू हुआ 2010 में या लागू हो गया 2016 में उसमें आईएमएफ का जो ने अपने कोटा को रिसोर्सेज को डबल कर करके एसडीआर 477 बिलियन कर लिया और 661 बिलियन इन यूएस डॉलर कर लिया था। इन एडिशन टू दैट सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज ऑफ अप टू अबाउट एसडीआर 182 बिलियन आर आल्सो अरेंज बिटवीन आईएमएफ एंड ग्रुप ऑफ मेंबर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो आईएमएफ और जो विभिन्न ग्रुप थे मेंबर्स विभिन्न कंट्रीज के जो ग्रुप बने हुए हैं या इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने फिर 182 बिलियन एसडीआर की अलग से व्यवस्था की। तीसरा एकानिकार किया गया अगेन एसडीआर 317 बिलियन एस बायलेटरल बोरोइंग एग्रीमेंट हैज़ आल्सो बीन अरेंज बिटवीन आईएमएफ एंड मेंबर कंट्रीज। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेज आईएमएफ के आते हैं। अब यहाँ तो ये रिसोर्सेज की बात हुई कि आईएमएफ रिसोर्स कहाँ से प्राप्त करता है लेकिन अब उसको लेंडिंग किन किन आधार पर करता है तो इसको भी देखना है। आईएमएफ लोन्स आर यूजली प्रोवाइडेड अंडर एन अरेंजमेंट इन विच सर्टेन कंडीशनलिटीज आर स्टिपुलेटेड। पहली तो बात यह है कि आईएमएफ जो भी लेंडिंग करता है वो किसी उसके साथ कुछ न कुछ शर्तें हुआ करती हैं। एक अरेंजमेंट है जिसमें शर्तों को भी लगा करके बात की जाती है जिससे कि एक्सचेंज रेट में जो प्रॉब्लम है उसको ये सजेस्ट कर सके बता सके उसको दूर करा सके। दूसरी बात करते हैं कि लो इनकम कंट्रीज में बारो एट ए कंसेशनल इंटरेस्ट रेट थ्रू द पावर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटीज। तो ये एक नाम आपने देखा कि पावर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटीज के अंतर्गत बहुत से जो लो इनकम कंट्रीज हैं जिनके पास संसाधन नहीं है वो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर इनसे पैसा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तीसरी बात आती है नॉन कंसेशनल लोन्स आर आल्सो प्रोवाइडेड ऑन मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट रेट। लेकिन यदि आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन नहीं मिलता है दैट मीन्स कि विदाउट कंसेशन यदि लोन मिलता है तो वो आप मार्केट रेट से भी इंटरेस्ट रेट से भी आप आईएमएफ से लेंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग आखिरी बात कहने जा रहे हैं वो है इंडिया और आईएमएफ के बीच में क्या संबंध रहा है या इंडिया को का अपना कोटा कितना है और आईएमएफ से इसको विभिन्न समय पर क्या सहायता प्राप्त हुई है। तो इंडिया ने अपने कोटा को इंक्रीज़ किया है 2010 में इंक्रीज़ करने के लिए अपना कंसेंट दिया और कहा कि हम इसको बढ़ाएंगे और अपने जो तीन मेंबर कंट्रीज़ हैं अभी हमने कहा बांग्लादेश का नाम लिया था और भूटान का नाम लिया था और श्रीलंका का नाम लिया था। तो इन तीनों कंट्रीज़ के साथ मिलकर के इसने अपने एसडीआर का जो कोटा है उसको बढ़ावा देने की बात कही और ये इंक्रीज हुआ ये शेयर इंक्रीज होकर 2.76% हो गया जो कि 2.44% पहले था। अब दूसरी बात है इंडिया कोटा है इंक्रीज टू एसडीआर 1311.4 मिलियन। तो
काफ़ी बड़ा ये कोटा इनका बढ़ा, और ये अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे कि 56,000 करोड़ के आसपास आता है। तो इंडिया ने का कोटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया हैज़ बिन बोरोइंग फ्रॉम IMF इन इट्स क्रिटिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन वंस बिटवीन 1981-84 एंड नेक्स्ट ड्यूरिंग 1991। तो केवल इंडिया का कोटा ही नहीं बढ़ा, रिसोर्सेस ही नहीं बढ़े थे, बल्कि समय समय पर IMF से इंडिया ने बोरोइंग की है, सहायता ली है। जब इसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी 81-84 के बीच में, इसने 3.9 बिलियन SDR का उपयोग किया था, का लोन लिया था, और 1991 में 3.56 बिलियन का SDR का इन्होंने भारत में लोन दिया था। तो इस तरह से IMF से काफ़ी मदद भी इंडिया को मिली है। इंडिया इज़ नाउ ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू IMF एज इट्स पार्टिसिपेट्स इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान ऑफ IMF सिंस 2002। अब लेकिन जो ये 1991 के में लिया गया लोन लिया गया, उसके बाद से दिख रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन में हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व्स में की सिचुएशन अब काफ़ी स्ट्रांग है। तब से भारत ने इसे लेना बंद किया है, और इस कह सकते हैं कि भारत की अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति काफ़ी अच्छी है। कंक्लूजन के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली है, जो कि ऐसी प्रणाली है जिसमें स्टेबिलिटी हो और मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया करती है। दूसरा, इट आल्सो फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्प्स टू रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये आता है तत्व तो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये बढ़ावा देती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना ही बढ़ेगा उतना ही तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों को रोज़गार बढ़ते हैं, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होता है, बन पाता है, और इसके कारण ग्लोबल पॉवर्टी ख़त्म होती है। और ये जो 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 चीज़ जो ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात है, उसमें 189 मेंबर्स सबके संदर्भ में ये बात होती है कि हम लोग ग्लोबल पॉवर्टी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे करके हम लोग इसको ग्लोबल पॉवर्टी को रोकेंगे। तो IMF एक महत्वपूर्ण भूमिका है विभिन्न देशों के विकास में। धन्यवाद।